हेलो देवन, आज हमारा सब है हमारा एक स्टूडेंट इसलिए मिस्टर जिसका इस पर जेएससी सर बेंगलुरु में पीएचडी के लिए सिलेक्शन हुआ है जेएस से। तो विश्वजीत, पहले तुमको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन आपके सिलेक्शन के लिए। और पहले तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन है, कहाँ से बिलोंग करते हो और पीएचसी एससी कहाँ से किया है वो बताइए। मेरा नाम विश्वजीत मिश्र है, मैं वेस्ट बंगाल ईस्ट मिदनापुर से हूँ। मेरा जो बीएससी हुआ है विद्यासागर यूनिवर्सिटी से अंदर, और मेरा एमएससी पांचकुड़ा बोलोमाडी कॉलेज से हुआ है। मेरा अभी सिलेक्शन जेएनसीएसआर में हुआ है जेस्ट के थ्रू। तुम्हारा इंटरव्यू कैसे लिया था और इंटरव्यू को पॉजिटिव किया था जेएनसीएसआर का, हाँ सर, जेएनसीएसआर का जो इंटरव्यू प्रोसेस है इसमें एक ही साथ तीन चार जो इसका यूनिट होता है अप्लाई कर सकते हैं, उसमें से उन लोग सिलेक्ट करते हैं कौन सा यूनिट में कौन कौन स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करना है। मेरा दो ही ब्रांच में हुआ था, एनसीयू और टीएसयू में। मैंने सिर्फ टीएसयू का ही इंटरव्यू दिया था थियोरिटिकल साइंसेज यूनिट में। उसका जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, पहले एक रिटन टेस्ट होता है, उसमें क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन नहीं, मतलब कुछ ज्यादा ही नहीं, 6-7 क्वेश्चन होते हैं। पहले वो बेसिक ही सवाल पूछते हैं, उसमें वो एक फॉर्मेलिटी के लिए है, उसमें कोई काट ऑफ परसेंटेज कुछ भी नहीं है, फॉर्मेलिटी एक क्वेश्चन उन जेएनसीएसएस से लिया जाता है, उसमें से आंसर करना पड़ता है, बाद में इंटरव्यू प्रोसेस चलता है। तुम्हें आज कहाँ पे सिलेक्शन हुआ? मेरा और एसएन बोस कलकत्ता में हुआ था और आईजेड टीवी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या पूछा था और तुमने कैसे रेस्पॉन्स किया? हाँ, जो बेसिक जो रिटन का जो एक पेपर था उसमें एकदम बेसिक ही सवाल सारे थे, जैसे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राउंड स्टेट में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का कैलकुलेशन क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन कैसा होता है, और एक बचपन का एक सवाल था रूट 9.14 को कैसे निकाला जा सकता है, जो बचपन में निकालते ऐसे ही बिना कैलकुलेटर यूज करके, ऐसे भी क्वेश्चन था। और एक वेव फंक्शन का प्लॉट था, और ऐसे एक नॉर्मल जो फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स वर्सेस एक्स स्क्वायर का प्लॉट था। उसके बाद इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुलाया था, क्वेश्चन वहां से सारे क्वेश्चन आए। क्या क्या पूछा था इंटरव्यू के? मेरा जो रिटिन जो जो उन्होंने शॉर्ट का जो एक शॉर्ट तरीके से रिटिन जो लिया था, उसमें मैंने क्वेश्चन 7 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन अभी याद नहीं है। और एक जो साइन स्क्वायर एक्स वर्सेस एक्स स्क्वायर ग्राफ था, मैंने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए ड्रॉ किया था और अपने मर्जी से ही नेगेटिव पार्ट के लिए ड्रॉ नहीं किया था। उन्होंने इंटरव्यू बोर्ड में इसी को ही पकड़ा, तुमने क्यों नहीं किया ऐसे पूछा। मेरे को पता था कुछ एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए तो वही से क्वेश्चन पूछेंगे, इसीलिए मैं जानबूझकर ही गलत किया था क्वेश्चन। उसके बाद तो उन्होंने सीधा इजी सवाल से ही पूछ लिया, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। उन लोगों को पता चला मेरे को आता नहीं है, मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ, सारे इजी इजी ग्राफ पूछते रहे। पहले वो आने के बाद उन लोगों ने फिर क्वेश्चन शिफ्ट कर दिया। उन्होंने एक सर था, वो पास में ही एक मैम था शोभना मैम, उससे बोला जे तुम क्वेश्चन करो। अब शोभना मैम ने क्वांटम से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया इसके बाद। हाँ सर, क्या पूछा था क्वांटम से? क्वांटम से ऐसे ही जस्ट फर्स्ट बोला था वही फंक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टी होते बताओ, मैंने सारे प्रॉपर्टी बोल दिया। उसके बाद उन्होंने हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक एनर्जी जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी टर्म है वो लिखने के लिए बोला, मैंने वो भी लिखा, बोला इसका वेव फंक्शन प्लॉट करो, मैंने प्लॉट करा। फिर बोला ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन प्लॉट करो, फर्स्ट एक्साइटेड प्लॉट करो, और उसका जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है ना वो क्यों एक 1D बॉक्स के लिए वो बिल्कुल एंड को टच करता है, लेकिन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्यों नहीं करता है, ऐसा वही सारे वेव फंक्शन का जो प्रॉपर्टी है उससे ही क्वेश्चन पूछा था।
फिर जाके उन्होंने हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, बोला इसके लिए ग्राउंड स्टेट पार्ट क्यों नहीं होता है इसे पूछा। वो साइको प्रॉपर्टी से ही आता है और जो हार्माइट पॉलिनोमियल है उसका जो इवन को वैल्यू नहीं आता है ऑड के लिए एग्जिस्ट करता है, इससे भी प्रूव कर सकते हैं। मैं दोनों जस्ट बोल दिया, उन्होंने बोला ठीक है प्रूव नहीं करना है, यही सही है। उसके बाद क्वांटम से उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा, हार्मोनिक ऑसिलेटर में और एक टर्म जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म था उसमें और एक्स्ट्रा माइनस जी एक्सएस क्यू करके ऐड कर दिया, बोला इसके लिए अब तुम एक्स का वैल्यू निकालो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू अब एक्स निकालो। कुछ नहीं मैंने बोला, तो ये तो जी एक्सएस क्यू टर्म है, ऑड फंक्शन है, इसके लिए जीरो ही आएगा। उन्होंने बोला तो तुम इस बार ए डगर ए फॉर्म से करो, मैंने जस्ट ए डगर ए फॉर्म का फॉर्मूला जो है वही लिख रखा बोर्ड में, बाद में बोला जी ए डगर ए करके एक्सपांड करना होगा, बोला ठीक है अब तुमको सारे नहीं करना है, यही ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन करना बंद कर दिया, फिर एक दूसरे सर जो स्टैटिस्टिकल से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। स्टैटिस्टिकल से भी पहले बहुत सारे इजी सवाल पूछे, जैसे एंजेम्बल क्या होते हैं, तीनों एंजेम्बल का अंदर में क्या डिफरेंस होता है, ऐसे बेसिक सवाल पूछे थे। उसके बाद सीधा उन्होंने आइजिंग मॉडल पे गया, आइजिंग मॉडल से एक हैमिल्टनियन दे दिया, उसके लिए पार्टीशन फंक्शन एनर्जी सी बी कैसे निकाल सकता है, ये सारे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। इंटरव्यू देने के टाइम वो सारे लोग जो है ना ऐसे कभी भी कंफर्टेबल नहीं हुआ, मैं कभी भी डिसकंफर्टेबल नहीं हुआ, जो मैं कहीं खो रहा हूँ ऐसा कभी नहीं लगा। वो सारे हंस रहे थे, मुझे भी हंसा रहे थे, तुम ऐसे करो हो जाएगा। जो जी एक्स क्यू का पार्ट है ना, थोड़ा बहुत पहले नहीं आता था फॉर्मूला का, बोले ठीक है फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, एक टर्म बता दिया फिर आ गया। उसके बाद सारे टाइम लगा था जे बुरा फील नहीं हुआ, सारे टाइम हेल्पफुल थे। और एक सर थे बीच में, वो भी सारे टाइम बोल रहे थे तुम देखो हो जाएगा, आईजी मॉडल का जो प्रॉब्लम था बहुत। वहाँ का इंटरव्यू जो प्रोसेस है 40 मिनट से ज्यादा हो जाए तो सही है, मतलब मेरा जो इंटरव्यू का डे था उस दिन नहीं, मेरे अलावा और 8 लोगों का था, सारे का इंटरव्यू तब 20 से 25 मिनट गया था, मेरा 40 मिनट गया था, उन्होंने बोला था 40 मिनट गया था तब सही है। एमएससी का जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना पूछ लिया, पूछना शुरू कर दिया था, बोला था एमएससी में क्या प्रोजेक्ट था। एक सर ने, मैंने बोला मेरा एक कॉस्मिक रे में बेसिक रिव्यू का था, मुझे लगा शायद उस जो पैनल बोर्ड में कोई हाई एनर्जी से नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन करना ही बंद कर दिया सुन के, उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा। मैं एक साल कोई और ही एग्जाम के लिए एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था, कोई दूसरे रास्ते से चल रहा था। सारे दोस्त ने फिजिक्स गैलेक्सी का जो प्रॉब्लम डिस्कशन ग्रुप था उसमें मेरा और एक दो दोस्त भी है, उन्होंने उस ग्रुप से पहले से ही ज्वाइन था, वो उन्होंने पूछा बोला था जो ज्वाइन कर लो ग्रुप से, कम से कम ग्रुप से देख लो क्या क्या क्वेश्चन चलता है, किससे कोई दिक्कत आ जाए तो कैसे प्रॉब्लम भेजते हैं और सॉल्व करते हैं, देखो तुमको हेल्प हो जाएगा, फिजिक्स के रिलेटेड कुछ चीज सीख जाओगे जो तुम भूल चुके हो एक साल में। मैंने ज्वाइन किया था उसमें देखा प्रॉब्लम भी हो रहे थे, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम भेजते थे, मैंने देखा तो अब तो थ्योरी पढ़ना है, ऐसे थ्योरी पढ़ता रहा। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम किया, जैसे बेसिक सवाल किया, कुछ एडवांस नहीं किया, बेसिक जो कॉन्सेप्ट सवाल था वही करा,
और थियोरी पढ़ के ही हो गया कुछ. प्रीआईक्यू 3-4 साल ही किया, जस्ट 4 साल. ठीक है, तो पीपल इसमें जब किया था पहले तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस था, मेरे को पता है कि कभी इतना अच्छा नहीं था. तुम्हारी पीपल से भी एक बार बात हुआ था. हाँ सर. ठीक है, तो तुम्हें ऐसे भी तुमने नेट गेट के लिए प्रिपरेशन किया था. हाँ सर. मेरे से तुम्हें वो टेस्ट के लिए कितना बेनिफिट हुआ? नेट गेट का जो क्वेश्चन जो लेवल है वो गेट का क्वेश्चन थोड़ा तो इजी होता है, लेकिन नेट का ज्यादा टाप होता है. और कुछ कुछ क्वेश्चन तो नेट और जेस्ट का सिमिलर टाइप का ही होता है. ऐसे ही उसमें कॉमन क्वेश्चन भी आ जाता है. कोई अगर नेट का प्रिपरेशन कर ले तो सारी प्रिपरेशन हो ही जाएगा. प्रिपरेशन करने का कोई तरीका अपकमिंग स्टूडेंट के लिए बोलना चाहते हो तुम? प्रिपरेशन करने के लिए एक ही तरीका है, किसको किसी बुक का पसंद है ये बढ़िया है. बहुत बढ़िया ऑथर का भी बुक है, इंडियन ऑथर की बहुत सारे बुक है. जिससे समझ आए वही पढ़ना है, जिससे समझ आए वही पढ़ना है. और बहुत सारे इंडियन ऑथर का भी बुक है, उससे प्रॉब्लम कर सकते हैं. उसके बाद पीआईक्यू देख सकते हैं. पीआईक्यू अगर बन जा रहे हैं तो सही है, वो इंडियन ऑथर से भी हो सकते हैं. ऐसा नहीं है सारे अच्छे बुक ही अच्छे है, तो इंडियन ऑथर बुक भी अच्छे होते हैं. बेसिक से ही सारे चीज होते हैं वहाँ. ये अभी घर में सब कुछ ठीक है ना? अभी सब कुछ ठीक ही है. अभी मैं भी बोलना चाहता हूँ नेट के लिए प्रिपरेशन करे सभी. मेरे के ही प्रिपरेशन करना है दिसंबर के लिए, वो अल्टीमेट चाहिए. और फाइनेंशियल कंडीशन अभी भी तो ऐसे ही है जैसे पहले था? अभी फाइनेंशियल कंडीशन इतने टाइम में तो इतने कम टाइम में ज्यादा बदल नहीं गया है. अभी थोड़ा सही है, यहाँ बाहर आके थोड़ा सही है. ठीक है. अरे हम जो पढ़ाते थे ना क्लास में, तो वो इंटरव्यू के लिए हेल्प होता है क्या? तुमको क्या लगा? हाँ, इंटरव्यू के लिए आपने कोर्स लॉन्च किया था, उसमें आपने पहले जो क्लास लिया था वो बिल्कुल फ्री कोर्स था. उसमें जो पहले जो 3-4 क्लास आए थे उसमें आपने बेसिक ही बोला था. जो बेसिक कुछ भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत लो, जो हार्ड क्वेश्चन ही आएगा इंटरव्यू बोर्ड में. बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट था. मैंने वो जो स्टैटिस्टिकल का जो बेसिक एंजेम्बल वाला वो वीडियो में था. तो ऐसे हर किसी कोई एक बुक पढ़ ले आ जाएगा, लेकिन वीडियो से थोड़ा कम समय में हो जाता है. उस वीडियो देखा था, कुछ बुक से पहले से याद था. बहुत सारे इजी इजी सवाल आते हैं जो वीडियो से हेल्पफुल था. और जो है कि आगे तो अपकमिंग एग्जाम आ रहा है ना, बार भी आप दे सकते हो. बार बार भी ट्राई कर लो. ठीक है, तो अभी क्या लग रहा है कि पीएचडी में फोकस करना है या सही एग्जाम में हो जाए तो जॉब टारगेटेड मिल जाए? अभी तो क्या करेंगे, अभी पीएचडी में ही फोकस करना है, उसके साथ नेट का एग्जाम भी देना है, यही चीज है. अभी तो हम नेट का भी एग्जाम क्लियर करना है और कुछ नहीं. ठीक है, तो इस बार तो एकदम ठीक से पढ़िए. ठीक है, हम लोग ग्रुप में भी डिस्कस करेंगे. ओके, तो अभी के लिए तो इतना ही. तो नेक्स्ट कोई सेशन में हम लोग मिलेंगे जरूर. ठीक है, और घर आओगे ना तो एक बार जरूर मिलना. ठीक है. ठीक है, मतलब मीट तो हुआ था एग्जाम्पल के बाहर लास्ट डेट में. ठीक है, अपकमिंग. ठीक है.
ठीक है, बाय सर।